दोस्तों, हम अपने जीवन में न जाने कितनी ही समस्या में उलझते रहते हैं और उसे सुलझाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन कई बार असहाय हो जाते हैं। ऐसा लगता है समस्याएं हमसे आगे बढ़कर हमें मुश्किलों में फंसा देती हैं। लेकिन याद रखिए, इस जीवन को देने वाला ईश्वर आपको मुसीबतों में फंसते नहीं देख सकता। बस उसके मार्ग पर यदि हम सच्चाई से चलते रहे तो ये कहानी कुछ ऐसा ही कहना चाहती है। एक पुरानी सी इमारत थी जिसमें एक वैद्य जी का मकान था। पिछले हिस्से में रहते थे और अगले हिस्से में दवाखाना खोल रखा था। उनकी पत्नी की आदत थी कि दवाखाना खोलने से पहले उस दिन के लिए आवश्यक सामान एक चिट्ठी में लिख कर दे देती थी। वैद्य जी गद्दी पर बैठकर पहले भगवान का नाम लेते, फिर वह चिट्ठी खोलते। पत्नी ने जो बातें लिखी होती वे उनके भाव देखते, फिर उनका हिसाब करते, फिर परमेश्वर से प्रार्थना करते कि हे भगवान, मैं केवल तेरे ही आदेश के अनुसार तेरी भक्ति छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्कर में आ बैठा हूँ। वैद्य जी कभी अपने मुँह से किसी रोगी से फीस नहीं मांगते थे। कोई दे देता था, कोई नहीं देता था, किंतु एक बात निश्चित थी कि जब ही उस दिन के आवश्यक सामान खरीदने योग्य पैसे पूरे हो जाते थे, उसके बाद वह किसी से भी दवा के पैसे नहीं लेते थे, चाहे रोगी कितना ही धनवान क्यों न हो। एक दिन वैद्य जी ने दवा खाना खोला, गद्दी पर बैठकर ईश्वर का स्मरण करके पैसे का हिसाब लगाने के लिए आवश्यक सामान वाली चिट्ठी खोली तो वह चिट्ठी को एकटक देखते रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया, उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आए, किंतु जल्दी ही अपने आप पर उन्होंने नियंत्रण पा लिया। आटे दाल चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था, बेटी का विवाह 20 तारीख को आ गया, उसके दहेज का सामान। वैद्य जी कुछ देर सोचते रहे, फिर बाकी चीज़ों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने लिखा, यह काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। एक दो रोगी आए थे, उन्हें वैद्य जी दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके दवाखाने के सामने रुकी। वैद्य जी ने कोई खास महत्व नहीं दिया, क्योंकि कई कार वाले उनके पास आते रहते थे। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। वह सूटेड बूटेड साहब कार से बाहर निकले और नमस्ते करके बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा, अगर आपको अपने लिए दवा लेनी है तो इधर स्टूल पर आएँ, ताकि आपकी नाड़ी देख लूँ, और अगर किसी रोगी की दवाई लेकर जाना है तो बीमारी को बताएं। वह साहब कहने लगे, वैद्य जी, आपने मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम कृष्णलाल है, लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मैं 15-16 साल बाद आपके दवाखाने पर आया हूँ। आपको पिछली मुलाकात का हाल सुनाता हूँ, फिर आपको सारी बात याद आ जाएगी। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मैं खुद नहीं आया था, बल्कि ईश्वर ने मुझे आपके पास ले आया था, क्योंकि ईश्वर ने मुझ पर कृपा की थी और वह मेरा घर आबाद करना चाहता था। हुआ इस तरह था कि मैं कार से अपने माँ बाप के घर जा रहा था, बिल्कुल आपके दवाखाने के सामने हमारी कार पंचर हो गई थी। ड्राइवर कार का पहिया उतार कर पंचर लगवाने चला गया। आपने उस वक्त देखा कि गर्मी में मैं कार के पास खड़ा था और दवाखाने की ओर इशारा किया और कहा कि इधर आकर कुर्सी पर बैठ जाएं। अंधा क्या चाहे, दो आँखें, और मैं कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज़्यादा ही देर लगा दी थी। एक छोटी सी बच्ची यहाँ आपके मेज के पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी, चलो पापा मुझे भूख लगी है। आप उससे कह रहे थे कि बेटी थोड़ा धीरज धरो, चलते हैं। मैं यह सोचकर कि इतनी देर से आपके पास बैठा था और मेरे ही कारण आप खाना खाने भी नहीं जा रहे थे, मुझे कोई दवाई खरीद लेनी चाहिए थी ताकि आप मेरे बैठने का भार महसूस न करें। मैंने कहा, वैद्य जी, मैं पिछले 5-6 साल से इंग्लैंड में रहकर कारोबार कर रहा हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चे के सुख से वंचित हूँ। यहाँ भी इलाज कराया और इंग्लैंड में भी, लेकिन किस्मत ने निराशा के सिवा और कुछ नहीं दिया। आपने कहा था, मेरे भाई, भगवान से निराश न हो, याद रखो कि उसके भंडार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आस औलाद, धन इज्जत, सुख दुख, जीवन मृत्यु, सब कुछ उसी के हाथ में है। यह किसी वैद्य या डॉक्टर के हाथ में नहीं होता और न ही किसी दवा में होता है। जो कुछ होना होता है वह सब भगवान के आदेश से होता है। औलाद देनी है तो उसी को देनी है। मुझे याद है कि आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ दवाई की पुड़िया भी बनाते जा रहे थे।
सभी दवा अपने दो भागों में विभाजित कर दी और अलग अलग लिफाफे में डाल दी और फिर मुझसे पूछकर आपने एक लिफाफा पर मेरा और दूसरे पर मेरी पत्नी का नाम लिखकर दवा उपयोग करने का तरीका बताया था। मैंने तब बेदिली से वह दवाई ले ली थी क्योंकि मैं सिर्फ कुछ पैसे आपको देना चाहता था, लेकिन जब दवा लेने के बाद मैंने पैसे पूछे तो आपने कहा था बस ठीक है। मैंने जोर डाला तो आपने कहा कि आपका खाता बंद हो गया है। मैंने कहा मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। इसी दौरान वहाँ एक और आदमी आया, उसने हमारी चर्चा सुनकर मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब ये है कि आज के घरेलू खर्च के लिए जितनी राशि वैद्य जी ने भगवान से मांगी थी वह ईश्वर ने उन्हें दे दी है, अधिक पैसे वे नहीं ले सकते। मैं कुछ हैरान हुआ और कुछ दिल में लज्जित भी हुआ कि मेरे विचार कितने निम्न थे और यह सरलचित वैद्य जी कितना महान है। मैंने जब घर जाकर पत्नी को औषधि दिखाई और सारी बात बताई तो उसके मुंह से निकला वह इंसान नहीं कोई देवता है और उसकी दी हुई दवा ही हमारे मन की मुराद पूरी करने का कारण बनेगी। आज मेरे दो बच्चे हैं, हम दोनों पति पत्नी हर समय आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। इतने साल तक कारोबार ने फुर्सत ही नहीं दी कि स्वयं आकर आपसे धन्यवाद के दो शब्द ही कह जाता। इतने वर्षों बाद आज भारत आया हूँ और यह कार केवल यहीं रोकी है। वैद्य जी हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में सेटल हो चुका है, केवल मेरी एक विधवा बहन है और अपनी बेटी के साथ भारत में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को होनी है। न जाने क्यों जब जब मैं अपनी भांजी के लिए कोई सामान खरीदता हूँ तो मेरी आंखों के सामने आपकी वह छोटी सी बेटी भी आ जाती है और हर सामान मैं दोबारा खरीद लेता था। मैं आपके विचार को जानता था कि संभवतः आप वह सामान न लें, किंतु मुझे लगता था कि मेरी अपनी सगी भांजी के साथ जो चेहरा मुझे बार बार दिख रहा है वह भी मेरी ही भांजी है। मुझे लगता था कि ईश्वर ने इस भांजी के विवाह में भी मुझे जिम्मेदारी निभाने के लिए आदेशित किया है। वैद्य जी की आँखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं और बहुत धीमी आवाज़ में बोले, कृष्णलाल जी आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ईश्वर की यह क्या माया है। आप मेरी श्रीमती के हाथ की लिखी हुई यह चिट्ठी देखिए। और वैद्य जी ने चिट्ठी खोलकर कृष्णलाल जी को पकड़ा दी। वहाँ उपस्थित सभी यह देखकर हैरान रह गए कि दहेज का सामान के सामने लिखा था यह काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। कांपती सी आवाज़ में वैद्य जी बोले, कृष्णलाल जी विश्वास कीजिए कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पत्नी ने चिट्ठी पर आवश्यकता लिखी हो और भगवान ने उसी दिन उसकी व्यवस्था न कर दी हो। आपकी बातें सुनकर तो लगता है कि ईश्वर को पता होता है कि किस दिन मेरी श्रीमती क्या लिखने वाली हैं, अन्यथा आपसे इतने दिन पहले ही सामान खरीदना आरम्भ न करवा दिया होता। मैं हैरान हूँ कि वह कैसे अपने रंग दिखाता है। ये कहानी बताती है ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले और उस पर विश्वास करने वाले कभी मुश्किल में नहीं फंस सकते। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर लिखें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।